जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, चकाचक होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं हूँ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एएस एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं भाजकता के बहुत सारे क्वेश्चन। तो भाजकता के आधार पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, भाजकता के नियम क्या होते हैं, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे भाजकता के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 7378A 6A को आपको विभक्त करना है 11 से। सॉरी, 11 से पूरी संख्या विभक्त है, पूरी तरीके से 11 से ये संख्या विभाज्य है। तो A का मान क्या आएगा दोस्तों, A का मान आपको बताना है, A का मान क्या है। चलिए दोस्तों कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का नियम क्या कहता है दोस्तों, सम स्थानों का योग, अंकों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। तो हम लोग कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, a+a+3 - 6+8+6। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां से a और a कितना हो जाएगा, 2a+3 माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 × 7 = 21। चलो जोड़ लीजिए, आपको 21 आएगा। तो यहां पे देखिए दोस्तों कि हम एक ही जगह क्या वैल्यू रखें कि 0 मिल जाए या हमको 11 मिल जाए। तो सबसे पहले हम रखते हैं एक ही जगह, हम कोशिश करते हैं 11 लाने की, क्योंकि 0 लाने के लिए बड़ी संख्या हमको रखना पड़ेगी। हम यहां पे 11 लाने के लिए हम इसको 0 लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 11 लाने के लिए तो हमको बहुत बड़ी संख्या रखना पड़ेगी एक ही जगह। तो 0 हम कैसे ला सकते हैं, 21 - 21 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक ही जगह हम लोग क्या रखते हैं, हम रखते हैं एक ही जगह 9, 9 × 18, 18 × 3 = 21। तो a का मान अगर हम 9 रखते हैं तो 9 × 18, 18 × 3 = 21, 21 - 21 क्या मिल जाएगा 0। तो a क्या हो जाएगा 9, a का आंसर क्या है भाई 9, एक ही जगह क्या होगा 9 होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक ही जगह पुट करेंगे हम 9, 9 × 18, 18 × 3 = 21, 21 - 21 = 0 आ गया। हमको 0 चाहिए या 11 चाहिए, अब 11 हम कैसे ला सकते हैं भाई, 31 किस संख्या में सबको 21 घटाएंगे तो क्या 11 मिलेगा, तो हम 32 में से 21 घटाएंगे तो 11 मिलेगा। तो 32 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 20 का गुणा, सॉरी 15 × 14 वो आएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए हमको क्या करना है, एक जगह 9 पुट करना है, उस तरीके से हम आंसर निकाल देंगे। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझने आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चन हम प्रयास करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़े से एडवांस वाले क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बता दिए। अब एक और क्वेश्चन है यहां पर 7 8 3 2 7 3 2 7 7 8 3 2 7 8 8 / 11। तो एक ही जगह पे क्या आएगा जब ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वही करना है, विषम स्थानों का माइनस सम स्थानों। तो देखिए 8 + 7 + 3 + 7 - a + 2 + 8, 0 आना चाहिए या 11 का गुणज। तो ये जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 14, 14 + 8 = 22, 22 + 23 = 25। यहां पे आ गया 25 माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा a + 10। अब दोस्तों देखिए, हम एक ही जगह हम क्या रखें, एक ही जगह हम लोग क्या रखें जिससे ये हमारा 0 आ जाए या 11 आ जाए। दोस्तों अगर हम एक ही जगह, हम लोग एक ही जगह हम 4 रखते हैं तो 25 में से 14 जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा दोस्तों, 25 में से अगर 14 जाएगा तो 11 बचेगा। तो एक की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 4, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर है, एक की जगह क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप समझ गए इस तरीके से करना है, आसान होते हैं। चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चल अब थोड़े से अलग टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आप, चलिए समझने का प्रयास करिए। आपके सामने क्वेश्चन है 80 36 42
इसमें से क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कम से कम क्या जोड़ा जाए, ठीक है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर आता है शेषफल, ये होता है भाजक, तो भाजक में से शेषफल घटाना जो आएगा वो जोड़ना पड़ता है। तो हम शेषफल निकाल लेते हैं, क्या होगा 1177, ठीक है, यहां से कितना बचेगा 3, ऊपर से उतारे 3, 11 किया, यहां से 10 में से 3, ऊपर से उतारे 3, 11 किया 33, पूरा चला गया, तो यहां से बचा 0, फिर ऊपर से उतारे 6 जाएगा नहीं, फिर एक और 4 उतार दी तो कितना हो जाएगा 11 55, तो यहां से कितना बचेगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, फिर उधर से उतारेंगे क्या उतारेंगे ऊपर से 2, तो 11 8 88, तो यहां से आप लोग देखिए 4 बचेगा हमारा शेष पर, और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11 में से 4 जाएगा तो 7। तो कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम इस संख्या में अगर हम 7 जोड़ देंगे, कम से कम इस संख्या में हम 7 जोड़ देंगे तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्या जोड़ना है हमको दोस्तों, कम से कम इसमें 7 जोड़ना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कम से कम क्या जोड़ना है इसमें 7 जोड़ना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, यहां पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 989961 में क्या जोड़े कि संख्या 84 से डिवाइड हो जाए, ये संख्या 84 से डिवाइड, कम से कम क्या जोड़े, फिर वही भाजक में से शेषफल घटाना पड़ेगा, तो भाग दीजिए भी 84 बचा 84, तो यहां से कितना बचेगा 5, ऊपर से उतारे 6, भागने जाएगा 1 और उतार दिया, तो देखिए दोस्तों, तो इसको हम 6 बार डिवाइड करके देखते हैं, 6 चौक 24 की 4 आता है 2, 8 6 48 49 50, ठीक है, तो यहां से शेषफल कितना बच रहा है 11 में से 4 गए 7 57, ठीक है, 7 बार करते 728, 7 और 2 56, ये 7 बार ही गए डिवाइड कर देते। चलिए एक बार और, यहां से कितना बच जाएगा 5, ऊपर से उतारे 3, तो हम 7 से डिवाइड, 7 से करके देखते हैं, 728 7 8 56 57 58, ज्यादा निकल गया दोस्तों ये, ठीक है, इसलिए 6 से ही करना पड़ेगा, तो 6 4 24 की 4 आता है 2, 8 6 48 49 50, तो 11 में से 4 जाएंगे तो 7, यहां से 5, 57 बचे। अब 84 में से 57 घटाना पड़ेगा आपको, तो 84 में से 57 घटा दीजिए तो 14 में 7 गए 7, यहां से 7 27, तो 27 आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, 27 आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इसका 27 आंसर। कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, आपको ध्यान रखना है, कम से कम क्या जोड़ा जाता है, भाजक में से शेषफल घटाते हैं, जो आता है वो जोड़ देते हैं, तो उससे वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। या आपसे पूछा जाए कम से कम क्या घटाया जाए, तो शेषफल जो आता है वो कम से कम घटा देते हैं, जो शेषफल आता है उसी को घटा दो तो आंसर आ जाता है। चलिए, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या हमारे पास n की पावर 3 माइनस n, ये n यहां पर प्राकृतिक संख्या है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, n यहां पर प्राकृतिक संख्या है, ये कब हमेशा एक संख्या से डिविजिबल होगा, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको पढ़िए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि n के किसी प्राकृतिक मान के लिए, ठीक है,
वह सबसे बड़ी संख्या जो n की पावर 3 माइनस n, जबकि n एक प्राकृतिक संख्या के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में n की जगह आप वैल्यू पुट कर दिया करो, वैल्यू पुट करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करके आप कोई सी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों अगर मैं n की जगह 0 रखूं तो 0 0 हो जाएगा, 1 रखते हैं तो वो भी चला जाएगा 0, 2 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 2 की पावर 3 क्या होगा 8, माइनस 2 यहां से 6 मिल रहा है, 6 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, पूरी की पूरी। चलिए अब अगला हम लोग देख लेते हैं, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 27, 27 में 3 में 24, तो 24 किससे डिवाइड होगा, 24 6 से डिवाइड हो जाएगा के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करें, पूर्णतः विभाजित करना है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित करना है, तो 24 भी हो रहा है, अगर हम 5 रख के देखें तो 125 माइनस 5 कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120, ये भी पूर्णतः डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहां पर जो संख्या है वो है 6, 6 एक ऐसी संख्या है, 6 एक ऐसी संख्या है जो हर चीज को, 24 को डिवाइड करेगी, 120 को डिवाइड करेगी, तो दोस्तों 2 भी तो करना है डिवाइड, 2 हर जगह नहीं करेगा, देखिए कहां पर नहीं करेगा, हम 3 रख के देख ले, 4 रख के देख ले, 4 4 4 4 16 16 64 64 में से अगर 4 जाएगा तो 60 बचेगा, ये भी डिवाइड कर जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, वह सबसे बड़ी संख्या जो, बड़ी संख्या बताना ना दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या, 2 तो है छोटी संख्या, 2 छोटी संख्या है, हमको सबसे बड़ी संख्या बताना, तो बड़ी संख्या 6 ही है, तो देखो 6 को डिवाइड कर देगी, 24 को डिवाइड कर देगी, 160 को डिवाइड कर देगी, 8 नहीं कर पाएगी, 8 6 को कैसे डिवाइड करेगी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 2 ना होके 6। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी नहीं बता सकते ना, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 1 भी है, 0 भी है, मगर 6 एक सबसे बड़ी संख्या है जो n की पावर 3 माइनस n को हमेशा डिवाइड करेगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए कि नहीं आए बताइए, सोचिए आप समझ में क्यों नहीं आ रहा, भाई n की जगह आपको कोई भी वैल्यू पुट करना है, 1 करेंगे तो भाई 1 की पावर 3 माइनस माइनस 1 माइनस 0 0 रखेंगे तो भी, अब 2 से चालू करते हैं, जैसे 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 कितना आ रहा 6, ठीक है, फिर 3 रखते हैं 24 आ जाएगा, 5 रखते हैं 6 रखते हैं 7, 2 3 रख के देख लो, फिर देखो कि भाई जो ऑप्शन है उनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड करे, तो 2 भी डिवाइड कर रही, 6 भी डिवाइड कर रही, फिर क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, तो क्वेश्चन कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 6, ठीक है 6 है, बहुत बढ़िया, बड़ी संख्या क्या है 6 है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग देखिए कि किस तरीके से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, देखो आपको क्वेश्चन देंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूरी तरीके से विभाजित है, ये चार संख्या आपको दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो पहला ऑप्शन दे देगी, आप ऑप्शन क्या दे रखा है 181560, दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं 33 11 45, 33 11 45, चौथा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन जो है वो है 20 28 60, 20 28 60, तो जो चौथा ऑप्शन है वो आपके लिए है 20 33 55 2, 20 33 55 2, ठीक है दोस्तों, ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों 45 की हम बात करें, 45 की भाजकता का नियम क्या कहता है, अब 45 की भाजकता का नियम तो हमको नहीं पता, पर हमको ये पता है 45 से अगर हम गुणनखंड कर लें और वो क्या है सहायवाच संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो 1, एचसीएफ क्या हो 1, वो निकाल लेते हैं हम लोग, तो 45 का हम क्या करेंगे 9 5 45, ठीक है 9 5 45 आ गया, ठीक है इनका एचसीएफ कितना है 1 है, तो अब हम वो संख्या देखेंगे जो 9 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, वही तो हमारी क्या होगी, वही हमारी संख्या क्या होगी 45 से डिवाइड होगी, तो सबसे पहले देखो कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 5 से डिवाइड है, तो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 है। अच्छा तो 5 से ये भी होगी, 5 से ये भी होगी, 5 से ये भी होगी, तो 5 तो सब में फॉलो करना है, 9 देख लो, 9 जो पे फॉलो करेगा वो भी करना चाहिए, 5 भी करना चाहिए, 9 और 5 दोनों से विभक्त होना चाहिए, तो संख्या 45 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम यहां देख लेते हैं
देखिए 5 6 11 11 और 12 12 12 और 8 20 और 21 क्या 21 9 से डिवाइड होता है नहीं तो ये भी नहीं होगा यहां देखिए 3 3 9 10 11 11 4 15 15 5 20 तो ये होता है क्या 20 9 से डिवाइड होता है ये भी नहीं होता अब ये देख लेते हैं 8 और 6 14 14 15 16 17 18 क्या 18 9 से डिवाइड होता है हां होता है तो यही हमारा आंसर है तो सी इज द राइट आंसर 20 28 60 एक ऐसी संख्या जो 45 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी बहुत बढ़िया उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करना है मेरे से जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो हम सब लोग देखने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त होगी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त होगी ये हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो पहला ऑप्शन आपके सामने ये है 35 72 404 दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 135 135 792 ठीक है तीसरा दोस्तों तीसरा आपके सामने ऑप्शन है एक सेकंड में इंक डाल देता हूं तीसरा ऑप्शन जो है आपके सामने 9134 चलिए एक सेकंड में आप लोगों के सामने इंक डाल देता हूं थोड़ा सा फीका चल रहा है चलिए यहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे जो सी ऑप्शन है वो है 9191 3 4 6 6 4 ठीक है और डी ऑप्शन है आपके सामने 1 1 4 3 4 5 अब इनमें से आपको बताना है कौन सी संख्या है जो 99 से डिवाइड अब दोस्तों सवाल ये उठता है 99 का भाजकता का नियम तो बताया नहीं सर आपने बस हमको बताया तो दो ऐसे टुकड़े करना जिनका एसकेप बनाए तो हमने कर लिया 11 11 बाकी 99 ठीक है दोस्तों अब हमको चेक करना है इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 से विभक्त है और 9 से विभक्त है वही संख्या क्या हो जाएगी वही संख्या क्या होगी दोस्तों 99 से विभक्त होगी सबसे पहले हम 9 का चेक कर लेते हैं क्योंकि 9 का आसान होता है तो 9 का चेक करते हैं चलिए यहां से 9 का चेक कर लेते हैं देखिए 8 8 और 2 10 10 और 7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये 25 से 9 से विभक्त नहीं है तो ये पूरा 99 से नहीं होगा छोटा फिर ये देख लो 9 2 11 11 और 7 11 और 7 18 18 18 18 और 4 22 22 और 5 27 दोस्तों ये हो सकता है इसे हम देखेंगे ये हो सकता है अब यहां देखिए 9 और 10 10 3 13 13 और 4 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 6 21 और 6 27 ये भी हो सकता है इसको भी हम देखेंगे अब यहां पे देखिए 5 4 9 9 9 9 3 12 12 4 16 17 18 ये भी हो सकता है तो ये तीनों हो सकते हैं क्योंकि 9 से अब हम 11 का देख लेते हैं जो 11 से भी होगा वही हमारा आंसर होगा तो यहां पे हम देख लेते हैं सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं 5 और 3 8 8 और 1 9 माइनस 4 और 4 8 और 1 9 9 माइनस 9 0 दे रहा है उसको ये तो ये हो सकता है आंसर हमारा यही आंसर है दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है आप चाहो तो चेक कर सकते हो डी इज द राइट आंसर आप ये भी चेक कर लेते हैं ये नहीं होंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा ना ऐसा थोड़ी होगा कि दो दो ऑप्शन आपको दे दे तो इसका डी इज द राइट आंसर है ये जो डी है वो 99 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाता है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत शानदार तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और बहुत शानदार तरीके से हम क्वेश्चनों को करने का प्रयास कर रहे हैं इसी तरीके से आपका प्रेम बढ़ता रहा और आप हमारे वीडियो देखते रहे तो हम आपको और भी पावरफुल वीडियो लाएंगे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें और आपके दोस्त रिश्तेदार जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय